Hello dear students, how are you? I hope you are doing good at your house. Today in this class we are going to study about parts of speech in English, right? So let's come with me. Parts of speech. My dear, parts of speech, वैसे आपने नाम सुना होगा, right? In parts of speech we will study about noun, okay? Pronoun. Adjective, adverb, verb, preposition, position, seventh, interjection, diction, eighth, okay, and article. I am teaching you article separately, okay, because we have studied that article is also a part of adjective, right? So but in this class we will cover article, right? So first of all I start from article. Okay, everybody knows what is article, we know well, but sometimes we miss to use them correctly. Okay, so इस वीडियो के देखने के बाद आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि आर्टिकल्स को करेक्टली हम कैसे यूज कर सकते हैं. ओके, मैं आर्टिकल को टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं, राइट? मीन्स डेफिनाइट आर्टिकल एंड इनडेफिनाइट आर्टिकल, राइट? माइनर आर्टिकल, करेक्ट? इस नेम से ही क्लियर हो रहा है, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल मींस ये कोई पर्टिकुलर नाउन को या किसी पर्टिकुलर प्लेस को बोल सकते हैं, उसको स्पेसिफाई करेगा, राइट? ये स्पेसिफाई करेगा मींस ये पर्टिकुलरली यूज नहीं होता. एक मैं कैसे मतलब बेसिकली हमने पढ़ा है भाई थ्री आर्टिकल्स होते हैं, तो डेफिनेट आर्टिकल्स में क्या आएगा? द. इंडेफिनेट आर्टिकल्स में ए एंड एन. मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूं ये कहां यूज होता है, पहले हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट ए एंड एन. ओके, सो ए का यूज कहां करते हैं? माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेल दैट ए का यूज जो होता है, ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन, बट दैट नाउन मस्ट स्टार्ट विथ कंसोनेंट एंड sound or letter, right? Do you understand? Means वो noun जो consonant sound से start होना चाहिए, let's say उसमें कोई भी अगर हम उसका नाम लेते हैं तो हमारा sound क्या आना चाहिए? Consonant sound आना चाहिए, okay? या फिर consonant letter से start होना चाहिए. You know well what is the consonant, so except A, E, I, O, U. All letters in English are consonant. Is that okay? Next. So we can say that means except A, E, I, O, U, all letters in English are consonant. Is that okay? Means A, E, I, O, U, except these five letters,
इन फाइव लेटर को अगर हम रिमूव करें, बच्चों आपको पता होगा कि टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना होता है, 26 माइनस 5, तो हमारे पास कितना बनेगा 21, राइट। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ कंसोनेंट कितने होते हैं 21, ओके। अब यहां से एग्जांपल की बात करो, मैं तो एग्जांपल क्या होगा, एक पेन, अ पेन, ओके। क्या साउंड दे रहा है पेन, क्या साउंड दे रहा है, कंसोनेंट का साउंड दे रहा है, राइट। अ टेबल, अ टेबल, ओके, यस। अ विंडो means these are the example of consonant, okay, these are the example of means the way we can use a article, right, means the word or the noun. So next time wala vowel, right, means an, ye bhi indefinite articles hai, maine bataya aapko indefinite articles kaun kaun se hote hain, a and an. Indefinite articles ko dekhiye, means this article is used and is used before singular noun which starts or gives sound of vowel, okay, vowel. So dear students, do you know what are the vowels? So vowels are a, e, i, o, u. In English there are five vowels. So agar in vowel se koi bhi noun start hoga to uske pehle hum kiska use karenge, an ka use karenge. Let's suppose elephant, kya bol sakte hain, an elephant, okay. हाँ, मैंने एक वर्ड और बोला था यहां से. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ऑरेंज, एन ऑरेंज, एक शब्द, ओके. हाँ, मैंने एक बार और बोली थी यहां से, स्टार्ट आर गिव्स साउंड ऑफ वोवेल, तो वोवेल का साउंड भी दे सकता है. जैसे मैं बात करूं यहां पर यूनियन, क्या बोलेंगे, एन यूनियन, माय डियर, ये करेक्ट होगा या रॉन्ग होगा, तो अगर हम इसको देखें तो ये यू का साउंड दे रहा है, यू. अब देखो हिंदी वाले वोवेल से आप कंपेयर कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि हमें ये साउंड किसका दे रहा है, कंसोनेंट का साउंड दे रहा है. इस वजह से हम यहां पर क्या नहीं कर सकते, एन का यूज नहीं कर सकते. यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ए का यूज करना पड़ेगा. तो साउंड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके. नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में, राइट. डेफिनाइट आर्टिकल, मैं आपको बता दूं इस आर्टिकल डेफिनाइट एंड इनडेफिनाइट आर्टिकल्स की जो स्टडी है हम अभी बहुत शॉर्ट में कर रहे हैं, ये आपके क्विक रिवीजन के लिए है इंपॉर्टेंट, और इसके बाद में जब